हाय गाइस, वेलकम टू ऑल अबोर्ड एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी 18 तारीख को जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एसएससी सीएचएसएल में फ्रॉम जीएस सेक्शन, और ये आप लोगों को आने वाली शिफ्ट में जरूर हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने एक करा था कल मेमोरी बेस्ड 17th of March का, आप देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सेम उसी पैटर्न पे पूछे गए हैं जो मैं इस वीडियो में भी दिखाऊंगी। सो इससे हमें ये पता चलता है कि आने वाली स्लाइड्स में भी आप लोगों को जो आज के क्वेश्चन है और 17th के क्वेश्चन है वो जरूर हेल्प करेंगे। ऑल दो एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जो पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो बिना देरी करें हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। 1 GB इज इक्वल टू, ये पूछा गया था कि 1 GB में कितने MB होते हैं, या ऐसा पूछा गया होगा कि 1024 KB होते हैं, 1024 MB होते हैं। ओके अब आप कल का पेपर देखो तो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 4 bits मिलके क्या बनाते हैं, तो 1 nibble, या ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि 1 nibble इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। सो यू कैन सी कि पैटर्न जो है वो सेम ही चल रहा है। तो अब जिन लोगों का भी पेपर आने वाले दिनों में है, आप ये सारे पढ़ के जाना, जेटा योटा, हो सकता है आने वाले दिन में वो वहां से पूछ लें। द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टर ऑफ तानाजी मूवी, इसके डायरेक्टर हैं ओम राउत। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मिशन मंगल एक मूवी आई थी उसके डायरेक्टर थे जगन शक्ति। इसके अलावा आप याद रख सकते हो उरी के डायरेक्टर जो कि थे आदित्य धर। सो जो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट मूवीज, नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव, बट जो थोड़ी सी वैल्यू एडिशन वाली मूवी है आप उनके बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हो। बेस्ट एक्टर अवार्ड इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, चाहे आपका गोल्डन ग्लोब हो, बाफ्टा हो, या फिर हो आपका ऑस्कर, तीनों ही इसी पर्सनैलिटी को मिले हैं, वोकिन फिनिक्स। ये जे को डब्ल्यू प्रोनाउंस करना है, और इन्होंने जोकर मूवी में एक्टिंग करी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेटा का जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो भी इन्हें ही दिया गया है। आर्टिकल फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, 350 है जो राष्ट्रपति शासन लगता है स्टेट्स में, और 352 है नेशनल इमरजेंसी। इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। अगर बात करें स्टेट में सबसे पहले कहां पर लगी थी, तो वो है पंजाब में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक बक, इसका आंसर है एंटीलोप सर्विकैप्रा। आने वाली शिफ्ट में आप डॉग, कैट, पीकॉक, काऊ, इनके जो बेसिक बेसिक हैं वो वाले आप याद करके चले जाना। इफ योर लक इज गुड उसमें से आ जाएगा, अगर नहीं अच्छा होता है, थोड़ा टफ आता है, तो वो सबके लिए होगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान। और वहीं अगर बोला जाए कि इंडिया में लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, सो वो है आंध्र प्रदेश। ये दोनों ही क्वेश्चन आज के एग्जाम में आए थे। डेप्यूटी गवर्नर इन आरबीआई, शायद ये पूछा गया था कि अभी रिसेंट में डेप्यूटी गवर्नर इन आरबीआई कौन बनाया गया है, उसका आंसर है मिशेल पात्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस, देर आर टोटल ऑफ 4 डेप्यूटी गवर्नर इन आरबीआई। आप चारों के नाम देख लो, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में ये पूछ लें कि इनमें से कौन नहीं है। ओके बीपी कानूनगो, एनएस विश्वनाथन, महेश कुमार जैन एंड मिशेल पात्रा। सीडीएस ऑफ इंडिया, सीडीएस यानी होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये है इंडिया के जनरल बिपिन रावत, पहले सीडीएस बने हैं ये। इसके अलावा आर्मी के हेड हैं मनोज मुकुंद नरवाने, और हमारे एयरफोर्स के हेड हैं आरकेएस भदौरिया, और वहीं नेवी के हेड हैं करमबीर सिंह। ओके कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ यूपी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, बट स्टिल जो मेन डांसेस हैं, जैसे कथकली हो गया आपका केरला से, फिर आपका भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु से, कथक हो गया यूपी का, सो ये कुछ बेसिक डांस आप लोग देख के चले जाना। स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखो कल पूछा गया था स्पीकर ऑफ झारखंड अभी कौन बने हैं, और आज पूछ लिया लोकसभा का, बहुत इजी है, ओम बिरला हमारे स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं, इंडिया में है टोटल ऑफ 37 रामसर साइट्स, पहले 27 थे, अभी हाल ही में 10 और जोड़े हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला, ये हाईएस्ट अवार्ड होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री में, ये दिया गया अमिताभ बच्चन को। ओके फिर है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत इजी है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है ये ड्राफ्टिंग कमेटी का पूछ रहा है, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नहीं पूछ रहा है, वो होते राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। न्यू मोर आइलैंड कहां पर है, ये लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में। इसके अलावा पूछा गया प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, जायर बोल्सोनारो है, और ये 26 जनवरी पे हमारे चीफ गेस्ट भी थे। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, यहाँ पे फादर ऑफ इंडिया नहीं पूछा है, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट पूछा है, ये बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया एटॉमिक नंबर पे कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज 92, कल पूछा था कॉपर का जो कि था 29।
देन स्टडी ऑफ कैंसर. सो ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ सकता है, रीजनिंग में भी आ सकता है. कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, एंड वन हु ट्रीट्स कैंसर यानी कि जो कैंसर के डॉक्टर हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट. देन सीईओ ऑफ आईबीएम करंट का क्वेश्चन है, अरविंद कृष्णा को हाल ही में सीईओ बनाया गया है आईबीएम कंपनी का. डायनामाइट वॉज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबल. देखिए कल दो शिफ्ट में दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, एक नोबल पीस प्राइज से पूछ लिया और एक आपसे पूछ लिया था शायद नोबल लिटरेचर से, ठीक है, पीटर हांड के जो मैंने आपको बताया था कल. और आज उन्होंने पूछ लिया कि डायनामाइट को इन्वेंट किसने किया. सो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं नोबल प्राइज के बारे में एक ना एक क्वेश्चन या नोबल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछ रहा है हर शिफ्ट में. सो आप लोग जो मेन चीजें हैं वो जरूर देख के जाना है इसके बारे में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, मे बी नेक्स्ट शिफ्ट दे आस्क यू दिस. डायनमो वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फेराडे. दुरंत कप 2019 वॉज वॉन बाय गोकुलम केरला, इन्होंने हराया था मोहन बागान को. और दुरंत कप अगर पूछ लें कि कौन से गेम से एसोसिएटेड है तो वो है फुटबॉल से. इसी तरीके से संतोष ट्रॉफी भी रिलेटेड है फुटबॉल से. खेलो इंडिया यूथ गेम, ये आज के एग्जाम में पूछा था कि ये कहाँ पर हुआ. पहले तो ये इसका तीसरा संस्करण था और ये हुआ है गुवाहाटी में, और इसमें विजेता कौन रहा है तो वो है महाराष्ट्र. अपार्ट फ्रॉम दिस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये हुए हैं अभी भुवनेश्वर में, तो दोनों याद रखना और दोनों में डिफरेंस याद रखना. थीम ऑफ 107th वर्ल्ड साइंस कांग्रेस, सो ये याद रखना है कि कौन सा संस्करण था, 107वां. इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट. ओके, और ये हुआ अभी बेंगलुरु में. हार्ड डिस्क स्टोरेज किस तरीके का स्टोरेज है, सो ऑब्वियसली सेकेंडरी टाइप है, ये डिलीट नहीं हो सकता, इसमें आप मेमोरी को लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हो. रैम पूछा जाता तो वो है प्राइमरी टाइप का स्टोरेज. नेम ऑफ वेव्स विच अकर ट्वाइस अ डे, तो देखो जो टाइड्स होती हैं वो दिन में दो बार आती हैं, एक बार हाई टाइड होती है और एक बार लो टाइड होती है. और ये किसकी वजह से होती है, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से. फिश रियरिंग और ब्रीडिंग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पिसीकल्चर. सिमिलरली जो सिल्क वॉर्म की जो रियरिंग होती है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर. अंगूर की जो ग्रेप्स की होती है उसको बोलते हैं विटीकल्चर. ओके, फ्रूट्स की होती है पोमोलॉजी. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखना. टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे अवार्ड दिया गया है, सो ग्रेटा थनबर्ग को, एंड शी इज फ्रॉम स्वीडन. देन एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि ईस्ट वर्ड्स फ्लो करती है. तो देखो ऐसा इंडिया का नक्शा है नीचे का, अगर हम देखें साउथ वर्ड्स में, सो यहां पर है आपका अरेबियन सी और यहां पर है बे ऑफ बंगाल. तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी वो इस तरफ जाएंगी यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो जाएंगी अरेबियन सी में. सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आप देखो नर्मदा, ताप्ती, फिर है माही, साबरमती और लूनी. ओके, ईस्ट फ्लोइंग में अगर हम देखें, ये हम साउथ की बात कर रहे हैं, बाकी इसमें गंगा वगैरह नहीं लिखा है क्योंकि वो नॉर्थ में आ जाती हैं. गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, वो ऐसे जाएगी. ठीक है, सो ईस्ट में कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. सो ये चारों जो रिवर्स हैं ये हैं ईस्ट फ्लोइंग. नेक्स्ट इज ईरान अटैक्ड यूक्रेन फ्लाइट. तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अभी एक यूक्रेन की फ्लाइट थी जिसमें 176 पैसेंजर्स थे. सो उस फ्लाइट को किसने गिरा दिया, जिसकी वजह से जितने भी लोग थे वो पूरे सब लोग की डेथ हो गई. सो ये ईरान ने इस पर अटैक किया था. ओके, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद. अभी हाल ही में इनका बर्थडे था और इनके बर्थडे पे हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन. सो वेरी इजी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी. हु वॉज द पीएम ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग 1947, तो देखो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, और अगर ब्रिटेन के पीएम की बात करें तो वो थे क्लेमेंट एटली. विच स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम लोकसभा सीट्स. सो ये क्वेश्चन कल भी आया था कि यूपी में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो वो है 80, और सबसे ज्यादा भी यूपी में है, सेकंड पे महाराष्ट्र है 48 के साथ में. फर्स्ट रैंक इन 2019 आईएसएसएफ वर्ल्ड कप यानी कि शूटिंग जो फेडरेशन है उसका वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें किसने टॉप किया, सो उसमें इंडिया ने टॉप किया था. एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्मृति मंदाना कौन से खेल से रिलेटेड है, सो शी इज रिलेटेड विद क्रिकेट. सो अगर देखा जाए कल के हिसाब से, अगर मैं आज का पेपर देखूं तो जीके जो है वो काफी ईजी आई हुई है. इसके अलावा कुछ अवार्ड से क्वेश्चंस आप लोग देख लो. आज जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो किसे मिली है, तो वो मिली है बेन स्टोक्स को, और ये है इंग्लैंड के. अगले पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है पैट कमिंग्स को. फिर हम देखेंगे ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, ये मिला है रोहित शर्मा को, और ये शायद क्वेश्चन आज किसी एक शिफ्ट में आया भी है.
इसके अलावा T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर ये भी मिला है इंडिया के दीपक चहर को। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पूछ सकते हैं मार्नुस लबूश ने। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ये आप लोग देख लो, ये अगली शिफ्ट में डेफिनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। जैसे कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में जो अवार्ड देते हैं वो है सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। इसके अलावा जो फीमेल क्रिकेटर में बेस्ट क्रिकेटर को जो ट्रॉफी देते हैं उसका नाम है रशेल हेहो फ्लिंट अवार्ड, ये मिला है ऑस्ट्रेलिया की एलाइस पेरी को। एक क्वेश्चन पूछा गया ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, सो ये हैं अरावलीज। देन ये पूछ सकते हैं कि अरावली का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, सो गुरु शिखर। सतपुड़ा का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, सो वो है धूपगढ़। ओके, नेक्स्ट 2019 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई, सो ये हुई दोहा कतर में। इसमें देखें तो बहरीन ने टॉप किया था और इंडिया था फोर्थ स्पॉट पे। शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इस चैंपियनशिप में इंडिया का स्पॉट क्या है। देन एक क्वेश्चन इम्पीचमेंट पे पूछा गया कि इम्पीचमेंट कौन से हाउस से शुरू हो सकता है, सो ये दोनों ही हाउस में से किसी से भी शुरू किया जा सकता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अगर ये लोकसभा से शुरू होता है तो 100 लोगों को इस पे साइन करना होगा, यानी कि 100 एमपीज को साइन करना होगा इसके प्रस्ताव पे, और अगर ये राज्यसभा से होता है तो 50 एमपीज को साइन करना पड़ेगा। विच टीम डिफीटेड इंडिया इन ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, सो सेमीफाइनल जो हुआ था उसमें इंडिया हारी थी न्यूजीलैंड से। काला अजहर जो डिसीज है ये किससे होता है, तो ये अगर फ्लाइज में पूछा जाए तो सैंड फ्लाई से होता है, और बाकी एक प्रोटोजोअन डिसीज है। ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया है मेन प्रोटोजोअन डिसीजेस का, पीएम सड़क। हमने पढ़ा है ना पीएम सड़क योजना एक होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। पी से हो जाएगा आपका पायरिया, एम से मलेरिया, एस से स्लीपिंग सिकनेस, डी से डायरिया और के से काला अजहर। ये पांच मेन बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं। सॉइल सर्वे वॉज स्टार्टेड इन, आई डोंट थिंक ये ज्यादा लोग कर पाए होंगे बिकॉज ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है। सो सॉइल सर्वे इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1956 में। गुरु पर्व जो त्यौहार होता है ये कौन से महीने में मनाया जाता है, सो ये मनाया जाता है अगर हिंदी महीनों की बात करें तो कार्तिक महीने में। पहला ODF स्टेट कौन सा था इंडिया का, सो वो है सिक्किम। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो स्वच्छ भारत अभियान है ये किस पर्सनैलिटी के बर्थडे पे लॉन्च किया था, तो ये किया था महात्मा गांधी के बर्थडे पर। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1905, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सूरत स्प्लिट का क्वेश्चन अब आ सकता है, वो हुआ था 1907 में। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसने करवाया था वो थे लॉर्ड कर्जन, सो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। एज पर विच एक्ट द कंट्रोल ऑफ इंडिया वेंट टू ब्रिटिश क्राउन, सो ये पता होगा आप लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था 1857 की क्रांति के बाद, और उसके बाद क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अधिकार था इंडिया के ऊपर वो पूरा चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास में। ओके, पिकासो एंड लियोनार्डो डा विंची ये कौन है, सो ये पेंटर्स हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है उसका डीजी किसको अपॉइंट किया, तो वो किया गया अनूप कुमार सिंह को। इसी तरीके से रॉ का डीजी अभी हाल ही में घोषित किया गया किसको, सो समंत कुमार गोयल को। प्लांट स्टोर सनलाइट इन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट जो है वो सनलाइट को अपने किस पार्ट में स्टोर करते हैं, तो वो करते हैं लीव्स में। फिर एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर पीएच 7 है सो वो जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा, सो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब आने वाली शिफ्ट में आपसे पीएच से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप बेसिक बेसिक हो गए, जैसे मिल्क का हो गया, फिर आपका ब्लड का हो गया, यूरिन का हो गया, ये देखकर चले जाना। दिलवारा टेम्पल्स आर लोकेटेड इन माउंट आबू, और ये जैन लोगों के टेम्पल है। अगले शिफ्ट में और भी जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं आपके, जैसे हो गए होयसलास टेम्पल, ठीक है, या फिर हो गया आपका कैलाशनाथ टेम्पल, या हो गया लिंगराज टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है, लिंगराज टेम्पल है आपका भुवनेश्वर में, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरबीआई को कब नेशनलाइज किया था, सो नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का 1 जनवरी 1949, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। अब देखो कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला आरआरबी कब बना, उसका आंसर था 1975। सो आप देख सकते हो एक ना एक क्वेश्चन वो बैंकों की इस्टेब्लिशमेंट से जरूर पूछ रहे हैं। सो आपसे अब नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, या जो सबसे पहला नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंक्स का वो कब हुआ, फिर अगला 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ, या फिर हो गया आपका नाबार्ड कब बना। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आप अगली शिफ्ट में देख सकते हो। वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2020 जो हुई उसमें कौन जीता, सो जू वेनजुन एंड शी इज फ्रॉम चाइना। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला, सो ये मिला अल्बर्ट आइंस्टीन को। हु वॉन ATP कप 2020,
सो पहली बात तो ये हुआ कहाँ था? सो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और ये जीता सर्बिया ने स्पेन को हरा के। अभी मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें क्रिकेटर्स के बारे में दिया हुआ था, सो ये वहीं से क्वेश्चन एक आ रखा है आज कि सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी किसे मिली? सो ये मिली इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा, और अगर हेल्प करे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।